थैंक यू गाइस। आई होप आप सबको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी बिग बॉस के घर में। द रियलिज्म ऑफ मी, आई वॉज जस्ट रियल एज मच एज आई कैन, एंड यू नो आई वॉज जस्ट प्लेड मी। या गाइज, जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप। या आप लोग जा सकते हैं बूट के पेज पे, और वहाँ जाके आप वोट कर सकते हैं। द पीपल हु आर आस्किंग, वहाँ पे उन्होंने डाला, आई थिंक कुछ पोल चल रहा है वहाँ पे ट्विटर पे। आप वोट के पेज पे जाके वहाँ पे वो कर सकते हैं। हाँ, शालीन को बाहर आना था, ऑफ कोर्स ही डिजर्व टू कम आउट। वो सबको धमकी देता है, वो बिग बॉस को भी धमकी दी है, वो सबको धमकी देता है। बट आई थिंक वो सिर्फ एक फेक इंसान है, इज जस्ट प्लेइंग हिज गेम। तो इट्स ओके, वो उसकी गेम है, वो उसी हिसाब से खेल रहा है यार। थैंक यू साहिल। गीतिका अब्दू इज गुड यार, इज क्यूट, इज स्वीट, ही ऑलवेज हग्स वेन एवर आई गो इमोशनल और समथिंग, आई एम डाउन, ही ऑलवेज हग, यू नो ही इज गुड। बढ़िया। नहीं यार गाइज, मैंने अभी तक एपिसोड नहीं देखे, मैंने अभी तक खाली दो ही एपिसोड देखे हैं, लास्ट के दो एपिसोड्स देखे हैं। मुझे अभी तक एक्चुअली टाइम नहीं मिला पुराने एपिसोड्स देखने का, बहुत एपिसोड्स हैं। तो मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे, सो आई थिंक आई विल वॉच द एपिसोड्स फ्रॉम टुमारो मोस्टली, क्योंकि अभी तक इंटरव्यूज ही चल रहे हैं मेरे। सो आई थॉट आज आई विल गो ऑनलाइन एंड मीट ऑल माई फैंस, से थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गाइज गेव मी। तो मैं बस इसीलिए आई थॉट कि आज मैं पहली बार इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया हूँ, आई थिंक अपने पेज से। तो आई थॉट कि आपने बहुत प्यार, बहुत इज्जत दी है, और मेरा सिर्फ मानना यही है यार कि मैंने जो कुछ भी खेला, आई प्लेड विद ऑनेस्टी, एंड यू नो उस वजह से शायद मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। चाहे हर सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू गाइज यार। थैंक यू यार, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने आपकी आपको सही प्रूफ करके दिखाया, एंड या थैंक यू, थैंक यू रुदांश, थैंक यू। हाँ यार, अविका बंसल, आई विल श्योरली, अगर मुझे चांस मिला तो श्योरली आई विल कम बैक एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बहुत दर्द हैं अधूरे रह गए हैं, बहुत घाव हैं जो पूरे करने हैं। आई थिंक वो बिग बॉस के घर में ही होंगे, और आई थिंक तब तक वो पूरे नहीं होंगे, तब तक यू नो वो एक हलचल रहेगी मन के अंदर। तो आई थिंक वो जब हो जाएगी पूरी तभी मज़ा आएगा, और आई थिंक आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। आशिका सौंदर्य इज गुड यार, शी इज़ अ स्वीट गर्ल, नेचर बहुत अच्छा है उनका, शी इज़ वेरी केयरिंग, और मेरा मानना ये है कि वो एक गेम के लिए अंदर गई हैं, तो आई थिंक अभी वो जो भी कर रही हैं, आई थिंक हमें इतनी जल्दी उनको जज नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी शुड गिव हर मोर टाइम, क्योंकि अभी मैं एकदम से चला गया 50 दिन बाद, तो आई थिंक उनको भी नहीं समझ आ रहा होगा एग्जैक्टली कि क्या करें, कैसे करें। तो आई थिंक या आई स्टिल ट्रस्ट हर, बाकी देखते हैं कैसे गेम चलती है उनकी। थैंक यू स्वैगर।
Thank you, Ankur. Thank you. Yeah, guys, you can just keep voting on the Woot page on Twitter. You can keep voting and yeah. Thanks, Ishtiak. Thank you. Thanks, Shanur. Yeah, I will definitely go back. Just guys, keep praying, keep wishing that मैं वाइल्ड कार्ड एज अंदर जाऊँ वापस एंड आई मेक यू गाइज फील प्राउड अगेन एंड ठीक है. अभी तो बहुत चीज़ें बाहर आके समझ आई हैं, बहुत देखी हैं, तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा अब तो खेलने में. अभी अभी तो अच्छी दुनिया दिखी है. यस ऋचा शर्मा, आई विल गो बैक श्योरली. रियली यूफोरिया मतलब मैंने देखा नहीं, उन्होंने कब ये बात बोली है मैंने देखा नहीं यार, मैंने एपिसोड नहीं देखा. आई डोंट नो, अगर उन्होंने ये बात बोली है तो ऑफकोर्स शी इज़ वेरी स्वीट. ऑफकोर्स शी गोना मिस मी यार. 50 दिन थे साथ में, ऑफकोर्स वो एकदम से चीज़ें होती हैं. थोड़ा एडजस्ट करने में, चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है. तो ठीक है, आई थिंक इसलिए मैंने बोला कि इतनी जल्दी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए. वो जब चीज़ें धीरे धीरे सामने आती हैं तो आई थिंक सब कुछ अच्छा दिखता है. तो या क्योंकि मेरी तरफ से जो कुछ भी था उनके लिए वो बहुत जेन्युइन था. बाकी अब उनके ऊपर है कि वो कैसे गेम खेलती हैं अंदर मेरे बिना. एंड आई एम श्योर शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. तो वो जो भी करेंगी, जैसा भी करेंगी, आई थिंक अच्छा ही होगा. हम यही कर सकते हैं यार, आई एम ऑल्सो पेशेंट लाइक यू गाइस. मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है देखना ये सब, बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है यार, तो देखते हैं. व्हाट्स अप उल्का गुप्ता. हाय हाय रिया, हाय. थैंक यू शिखर, थैंक यू, थैंक्स ब्रेम.
हाँ गाइस मैं जाऊंगा वाइल्ड गार्ड में यार. आई नो यू जस्ट गाइस कीप प्रेइंग यार, यू जस्ट कीप प्रेइंग, कीप सपोर्टिंग, और वाइल्ड कार्ड में जाके मजा आएगा. साजिद खान का गैंग जब टूटेगा तो मजा आएगा. व्हाट्स अप राजीव आदित्य, हाउ यू मैन? आई नो यार, आऊंगा आऊंगा वापस यार राजीव, आई विल पक्का. आई नो एवरी वन वॉन्ट्स टू सी मी बैक इन साइड द हाउस. साजिद खान यार, साजिद खान जो हैं वो जो अपना ग्रुप बना के चल रहे हैं वो, तो वो चल रहे हैं वैसे ही आई थिंक. लेकिन उनकी एक चीज़ अच्छी है कि वो सामने से बोल के करते हैं जो भी करते हैं, कि मैं अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. ये बात अदर कंटेस्टेंट समझ नहीं पा रहे कि वो अगर फेवरेटिज्म होके अपने लोगों को कर रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे. तो या अभी अगर मैं वापस गया तो मैं वही ग्रुप तोड़ूंगा, मेरा अटैक वही ग्रुप होगा, और बाकी दो तीन लोग हैं उसी ग्रुप में जिनसे कुछ हिसाब किताब रह गया मेरा वापस पूरा करना. तो आई थिंक वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा जिंदगी जीने में. थैंक यू जानूर, थैंक यू गाइस यार, थैंक यू विवेक. Oh, you guys, man, how's your evening going? MC Stan का नेचर अच्छा है यार, ही इज जस्ट क्वाइट. आई थिंक वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया एक है, वो उसी में रहना पसंद करते हैं. अगर वो दो तीन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, शिव के साथ, अब्दू के साथ वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उन्हीं में ही वो रहते हैं. उनसे इतना लड़ाई झगड़ा होता नहीं, वो कई कभी कभार फटते हैं, वो रोज़ नहीं इन चीज़ों में पड़ सकते. तो बाकी अदरवाइज इज़ अ गुड गाय यार. MC के साथ मेरा कभी कोई हुआ ही नहीं प्रॉब्लम, एंड आई रियली आई लाइक MC यार, MC स्टैन यार, है ना. जब साजिद मुझे गालियाँ दे रहे थे और मैं काम था, आई थिंक मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है. आई थिंक यही एथिक्स मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि अपने से बड़े उम्र के इंसान को तमीज़ से बात करनी चाहिए, और मैंने उसी को फॉलो किया. रिगार्डलेस वो मुझे गाली दे रहे थे, अगर मैं वापस दे देता तो मेरे और उनमें फ़र्क क्या रह जाता. तो आई थिंक इससे उनकी पर्सनैलिटी दिखती है और मेरी दिखती है, और जो आप लोगों को दिखी भी है, जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आई है. तो मैंने वो नहीं सीखा सामने वाले को गाली देना जो मेरे से बड़ी उम्र का है इंसान, और बहुत तरीके होते हैं, और इसलिए वो बाद में भी उनको लगा कि उन्होंने गलत किया, सो वो आए मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे फादर से उन्होंने कैमरे पे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी. तो या निमृत, निमृत बहुत अच्छी लड़की है यार निमृत. मुझे लगता नहीं कि निमृत इतनी कमज़ोर हैं वो जितना दिख रही हैं, क्योंकि मैं उनको पहले दिन से जानता हूँ घर के अंदर, और हमने बहुत अच्छा एक बॉन्ड शेयर किया है हम दोनों ने. और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि वो अगर लोगों का सपोर्ट लेके छोड़ना, एक ग्रुप का पार्ट होना बंद करेंगी और अपने पॉइंट्स फॉरवर्ड रखेंगी, अपनी चीज़ें रखेंगी, तो वो बहुत स्ट्रांग है. अगर वो मेरे जैसे इंसान को गोद में उठा सकती हैं इतनी देर, तो ऑफकोर्स उनकी स्ट्रांगनेस है, कहीं ना कहीं उनका माइंड उतना स्ट्रांग है. एक टास्क में उन्होंने उठाया था मुझे गोद में. तो अगर वो खुद की गेम खेलेंगी, अपने तरीके से खेलेंगी, और भीड़ का पार्ट नहीं होंगी, शिव एंड पार्टी का पार्ट नहीं होंगी, तो आई थिंक शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी इमोशनल, शी इज़ वेरी गुड पर्सन. आई थिंक तो उनको सिर्फ अपना अपना खेलनी चाहिए गेम, बजाय किसी भीड़ का पार्ट बनने के. थैंक यू गाइस, थैंक यू. अंकित बहुत अच्छा है यार, हार्दिक, अंकित इज अ वेरी गुड गाय यार, आई रियली लाइक दैट गाय. वो बहुत इंटेलेक्ट है उनका, उसका माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि वो बिग बॉस के लिए नहीं बने, और जेन्युइनली वो बिग बॉस के लिए नहीं बने, क्योंकि वो बहुत कंटेंट इंसान है अपने अंदर.
वो इतना झगड़े या लड़ाइयाँ नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट वन ऑफ देम, बट जो भी वो बोलते हैं वो बहुत पते की बात बोलते हैं, एंड मेरी उनसे बहुत अच्छी एक फ्रेंडशिप हुई है, और आई थिंक वो घर के बाहर भी बरकरार रहेंगी. सो या आई रियली लाइक अंकित इन द हाउस. मेरे थॉट्स ऑन अर्चना, अर्चना एक अलग लड़की है. अर्चना का है कि वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ गेम खेलने आई है, और आई थिंक वो कुछ भी कर सकती हैं. उनके लिए कोई दोस्ती कोई चीज़ मैटर नहीं करती घर के अंदर. एंड अर्चना फना है. अर्चना का ये है कि वो अपने मुद्दे पे जब बात करती हैं तब तब वो बहुत सही हैं, लेकिन वो बात करते करते कुछ और दिशा में चली जाती हैं जो उनके अगेंस्ट चली जाती हैं चीज़ें, जो मैंने भी उनको बहुत बार समझाई हैं. तो मैं सिर्फ अर्चना को यही बोलता हूँ कि आप अपने मुद्दे पे रहिए. उनका बेस्ट पार्ट ये है कि वो सबको एक कंटेस्टेंट की तरह लेती हैं, वो किसी से नहीं डरती, और वो निडर होके वो रखती हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही बोल देती हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर चीज़ें बोली जाती हैं. आई नो अर्चना ने मेरे बारे में बहुत बातें बोली हैं, फेक फेक ये वो, बट आई थिंक वो गेम का पार्ट है यार. आई थिंक सभी बोलते हैं, तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे लिए इंसान मैटर करता है, उसका दिल मैटर करता है, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं वैसी नहीं है, बट वो गेम में रहने के लिए वो अगर मुझे फेक बोल रही है इट्स ओके. किसी के कहने से कोई फेक नहीं हो जाता. तो अगर क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ, आई नो माई सेल्फ वेल, तो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि जस्ट बी यू, और यू नो चाहे वो अर्चना हो चाहे कोई भी हो. आई थिंक घर से बाहर निकलने के बाद वो ऐसी नहीं होंगी, बट अभी वो घर में रह के सबका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि उनको सब फेक दिखता है, हर चीज़ में दिक्कत परेशानी होती है. थैंक यू काव्या. शालिन के ऊपर यार मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ यार, मैं शालिन को इतनी फुटेज देना नहीं चाहता क्योंकि वो फुटेज के लायक है नहीं, एंड अब उसकी फेकनेस तो आप सब लोग देख ही रहे हैं फ्रॉम डे वन. और अभी वो सौंदर्या के साथ क्लोज होके वो मुझ पर इनडायरेक्टली वार करने की कोशिश कर रहा है, और आई थिंक जो उस पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही वो मेरे सामने कुछ करता है. अभी ही इज थिंकिंग इज द शाहरुख खान ऑफ द हाउस, की हर लड़की उसके पीछे पागल है, हर कुछ हो रहा है, बट ये उसकी सिर्फ मिसकंसेप्शन है आई थिंक उसके दिमाग में. इसलिए जब मैं वापस घर में अगर गया एज अ वाइल्ड कार्ड, तो सबसे पहला टारगेट मेरा वही है. उन्नति ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि वो उससे बात कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम. मुझे नहीं पता अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी वो मेरे साथ नहीं है 50 दिन से, अचानक से वो मेरे साथ नहीं है, तो आई डोंट नो उनका क्या माइंडसेट चल रहा है, कैसे चल रहा है. उनको भी पता है शालीन कहीं ना कहीं कैसा है. ऑफ कोर्स उनके सामने भी बहुत इंस्टेंस किए हैं शालीन ने, तो अचानक से ये दोस्ती का जो है, सो मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, आई डोंट नो. क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर शालीन को तो नहीं चुनेंगे ऑफ कोर्स, बट आगे वो क्या आई थिंक टीना और उनके बीच में रिफ्ट डालना चाहती हैं या क्या है, तो हमें वो थोड़ा सा टाइम और सौंदर्या को देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे आगे प्ले आउट करती हैं शालीन के साथ अपनी दोस्ती. तो उसी हिसाब से आगे हम जजमेंट बना सकते हैं. ऑफ कोर्स इट्स वेरी हैवी फॉर मी टू वॉच, बट ठीक है, आई ट्रस्ट हर. देखते हैं कहाँ तक चीजें जाती हैं. मेरी और सौंदर्या की लड़ाई बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे होती है यार. आई थिंक जब दो लोग मिलते हैं जानते हैं एक दूसरे को, तो बहुत कई चीज़ों पे आप दोनों के विचार नहीं मिलते शुरू में. आई थिंक इसी को ही एक फीलिंग एक इमोशन कहते हैं. तो आई थिंक धीरे धीरे आप जब एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तब चीज़ें एक अलग वे में पोट्रे होती हैं. तो आई थिंक वो हर रिलेशनशिप में होता है, हर
हर दोस्ती हो, प्यार हो, जो भी चीज़ें हो, आई थिंक सबके अंदर हमें एक दूसरे को समझने के लिए इतनी आई थिंक उतने को भरोसा रखना चाहिए, आई थिंक ट्रस्ट रखना चाहिए. तो या आई अनिल, थैंक यू ब्रो. चलो गाइस, हम गोना टेक अ लीव यार. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपका प्यार देख के. तो आप यूं ही प्यार देते रहिए, यूं ही आप कनेक्ट रहिए मेरे साथ, ताकि आपको अपडेट्स और मिलते रहें. और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोग ट्विटर पे जा सकते हैं, वोट के पेज पे, जहाँ पे आप वोट कर सकते हैं कि किसको आप घर में वापस देखना चाहते हैं. सो गो हैड एंड जस्ट कीप वोटिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट, एंड लव यू ऑल. थैंक यू, सी यू गाइस.